हाय, एग्जाम्स खत्म हो जाने के बाद आप सभी लोग ये परेशान होंगे कि बीएससी के बाद हमारा क्या करियर होगा। आप में से कई लोग बीएससी शायद सेकंड ईयर में हो, या हो सकता है फर्स्ट ईयर में हो, या हो सकता है जिनका ग्रेजुएशन पूरा हो गया हो और अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम्स के लिए शायद ढूंढ रहे हों। तो ये जो हमने वीडियो बनाया है, ये आपकी इन्हीं जितने भी प्रश्न हैं, आपकी जिज्ञासाएं हैं, उनको पूरा करने के बुलाया है। बहुत सारी क्वेरीज आती है हमारे पास कि अब हम क्या करें, इस एंट्रेंस को हम क्या कैसे दे सकते हैं, क्या यही एंट्रेंस है क्या, और बड़े फनी फनी से जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि लोग किस किस तरह के सवाल कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पर उनके पास एक टिपिकल मिस गाइडेंस होता है कि ये करना है ये नहीं करना है और वगैरह वगैरह। यहाँ जो मैं सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, हम लोग आधार इंस्टीट्यूट हैं जयपुर में स्थित। पिछले लगभग 17 सालों से हम एमएससी एंट्रेंस, गेट, CSIR NET, इन सभी के एग्जाम्स के लिए हम लोग प्रिपेयर करवा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स को हम स्पेशल प्रिपरेशन भी कराते हैं GRE सब्जेक्टिव के लिए। मैं आपसे बात कर लेना चाहूंगा, मेजर जो एंट्रेंसेज हैं जो आपके करियर को शेप दे सकते हैं, अगर आप साइंसेज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो कौन कौन से एंट्रेंसेज हैं। पहला फेमस एंट्रेंस है TIFR एंट्रेंस के नाम से, जिसको आप जानते हो, या NCBS एंट्रेंस के नाम से जानते हो, या आप JEEE BIELS जिसको कहते हो। नॉर्मली TIFR, ISER, NBRC, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसके दो डिपार्टमेंट्स हैं, DBS अपने बॉम्बे में, NCBS बेंगलोर में, ISER मेजर जो ISER हैं, ISER पुणे और ISER मोहाली, ये दो मेजर ISER हैं। उसके अलावा NBRC नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, और भी काफ़ी सारे जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ जहाँ पर भी इंटीग्रेटेड PhD है, वो सारे एंट्रेंसेज ये पर्टिकुलर एंट्रेंस के थ्रू होता है, पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू होता है। यूजुअली सेकेंड संडे ऑफ दिसंबर को ये एग्जाम होता है, और डिटेल में आगे आपसे आगे शेयर करूंगा। IIT जम BT बायोटेक्नोलॉजी का एंट्रेंस, 4 IITs आजकल इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, IIT बॉम्बे, रुड़की, इंदौर एंड खड़गपुर। अभी जो ईयर 2019 में जो इसका प्रोस्पेक्टस है, मैं सारी बातें उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। IIT जम BL मेनली ISC एंट्रेंस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, NIT राउरकेला और ISER जो शिवपुर, ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा इनके जो IIT जाम BL है, और उसके रिजल्ट में भी लिखा जाता है कि मैनी इंस्टीट्यूट विल बी कॉलिंग फॉर रेस्पेक्टिव एग्जाम्स, जैसे वारंगल का है और शायद एक दो और NITs का है, बट आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स, क्योंकि एग्जैक्टली मैंने कभी देखा नहीं NIT राउरकेला के अलावा कहीं और एडमिशन मिला हो स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स को, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है। बट डायरेक्टली मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से जानता हूँ कि IITs में MSc में एडमिशन के लिए तो एटलीस्ट ये नहीं है IIT जाम BL। इंटीग्रेटेड PhD ISC के लिए इंटरव्यू कॉल के लिए, और वो मजे की बात है, न सिर्फ IIT जाम BL और भी तरीकों से आ जाती है। खैर, एक मेजर एंट्रेंस है आपका साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, वेरी प्रोमिसिंग एंट्रेंस, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है एजुकेशन का भी और एंट्रेंस का भी। क्वालिटी स्टूडेंट्स आते हैं ऑल इंडिया के, ओवरऑल डिपार्टमेंट वाइज बहुत अच्छा है, फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं। यूजुअली अप्रैल में होता है, इस बार 27 अप्रैल को है, पर यूजुअली सेकेंड और थर्ड संडे ऑफ अप्रैल को हो जाता है एग्जाम। JNU कम्बाइंड बायोटेक एंट्रेंस 29 to 34 यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक साथ ये कम्बाइंड एंट्रेंस होता है, ये नंबर हर बार वेरी कर जाता है थोड़ा सा, इसलिए मैं फिक्स नंबर पर बात नहीं कर रहा हूँ। MSc बायोटेक एंट्रेंस होता है, कुछ अच्छी बातें इसकी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से इसमें शायद 5000 फेलोशिप मिलती है पर मंथ जो लोग MSc कर रहे होते हैं। फोर्थ वीक ऑफ मई को यूजुअली होता है, फोर्थ वीक में वो कभी भी हो जाती है, 25 से लेकर 30 के बीच में इस बार है। JNU स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, ये जो एंट्रेंस का नाम है थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, ये JNU EE के नाम से होने लग गया है, JNU एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि उन्होंने सभी के लिए कॉमन दे दिया। पर JNU में, चूंकि अगर आप बायोलॉजिकल साइंस के हैं, तो ये जो एग्जाम है ये स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में एडमिशन दिलाएगा। इस बार से वहाँ स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिकुलर मेडिसिन SCMM में भी MSc के लिए एंट्रेंस शुरू हो गया है, SCMM। तो एक बार इसके प्रोस्पेक्टस को जरूर देखेंगे। JNU में दो एग्जाम्स इस बार होने लग गए हैं। CUSET सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एग्जाम होगा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात, ये चार मेजर जो हैं हमारे बायोलॉजी में काफ़ी फेमस हैं। साउथ की यूनिवर्सिटीज़ को मैं इस पर कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो वीडियो सुनने वाले हैं वो सब हिंदी वाले हैं, तो ऑब्वियसली साउथ वाला बच्चा सुन नहीं रहा है, क्योंकि वो इंग्लिश में होगा तो उसका नाम नहीं ले रहा। आप अगर साउथ के हैं और हिंदी समझ रहे हैं तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। तिरुवनंतपुरम का भी है शायद इसके अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अप्रैल लास्ट वीक में यूजुअली एग्ज़ाम होता है, और काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, फूड साइंस का है, माइक्रोबायोलॉजी का है, बायोकेमिस्ट्री का है, बायोटेक्नोलॉजी का है, और एक दो जगहों पर लाइफ साइंस भी है।
अच्छा एग्जाम है और अच्छे डिपार्टमेंट्स है, क्योंकि नई यूनिवर्सिटीज है, नई यूनिवर्सिटीज है तो फैकल्टीज काफी यंग है, डायनेमिक है, बहुत अच्छा काम कराते हैं. हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इट्स ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी, जेएनयू के इक्विवेलेंट आप इसको कह सकते हो, और कई मायनों में तो जेएनयू से भी अच्छी हो जाती है, स्पेशली जिनका जो एनिमल एनिमल साइंस और प्लांट्स बायोटेक का जो डिपार्टमेंट्स हैं काफ़ी अच्छे हैं. तो बहुत अच्छी बात जो इस हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो मुझे लगती है, इसका हैदराबाद में होना, बहुत सारी बायोटेक कंपनीज और बहुत सारी फार्मा कंपनीज आपके हैदराबाद में हैं, तो बच्चों को इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, तो हैदराबाद में लेना मेरे हिसाब से फ़ायदेमंद होता है. जामिया मिलिया, वन ऑफ द वेरी गुड यूनिवर्सिटी, नाम पर मत जाइएगा, कई लोगों को लगता है मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो पता नहीं कैसी होगी, डिपार्टमेंट वाइज इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी ओवरऑल. एंट्रेंस जो है जेएनयू के इक्विवेलेंट होता है, उतना ही कठिन होता है, बहुत कॉम्पिटिशन होता है इसमें भी. बी एच यू डी यू में मेरा जो मानना है, हम लोगों को क्लासिकल सब्जेक्ट्स में ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए. अगर बॉटनी जूलॉजी से एमएससी करना चाहते हैं तो बी यू एंड बी एच यू आर दी बेस्ट, बहुत अच्छे हैं बी एच यू में. इसके अलावा प्लांट बायोटेक एक ह्यूमन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी, ह्यूमन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में भी एमएससी होती है वहाँ पर, और वो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किए हैं. उसके अलावा डी यू के अंदर बॉटनी जूलॉजी, प्लांट बायोटेक, जेनेटिक्स एंड माइक्रोबायोलॉजी, पाँच बहुत अच्छे ऑप्शन हैं. डी यू में ही नॉर्थ कैंपस में अंबेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, वहाँ पर इंटीग्रेटेड पी एच डी का कोर्स है, वो भी एक अच्छा कोर्स है. उसके बाद है पुणे यूनिवर्सिटी, वहाँ जूलॉजी डिपार्टमेंट वन ऑफ द बेस्ट, वायरोलॉजी जो कि एनआईवी पुणे करवाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, और पुणे यूनिवर्सिटी का अपना बायो इन्फॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट. दीज आर द सम ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट्स यू कैन गो. यहाँ मैंने डेट्स वगैरह सबके अनाउंस किए बताया है. एम्स का एंट्रेंस प्लीज इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि तो जुलाई में एग्जाम होता है. दूसरा, एम्स के एंट्रेंस में वहाँ के अपने जो बीएससी के बच्चे होते हैं, बीएससी ह्यूमन जेनेटिक्स होता है एम्स में, उनका रिजर्वेशन होता है, तो जो खाली सीटें बचती है वो शायद 10 से लेकर 15 के लगभग बचती है. उसमें मैं एसटी एससी ओबीसी जनरल सबको मिलाकर अगर बात करूँ, कुल मिलाकर 30 या 35 सीटों के लिए एंट्रेंस होता है. तो जनरल के लिए कुल मिलाकर कॉम्पिटिशन 8 या 9 सीटों के लिए होता है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सौदा नहीं है, बट स्टिल इफ यू आर वेरी गुड इन बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, यू मस्ट अपीयर फॉर दिस, जिंदगी बन जाएगी. सीएफपीआरआई एक एंट्रेंस जिसके अंदर मैथ्स भी आती है, फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, बायोलॉजी भी आती है, लेकिन जॉब सबसे शानदार इसी में लगती है. इन दोनों एंट्रेंस की प्रॉब्लम ये है कि जुलाई में होते हैं और हम जुलाई तक वेट नहीं कर सकते किस चीज़ का, क्योंकि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो जून तक आ चुके होते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे इसमें एग्जाम अपने अपने एडमिशन्स ले चुके होते हैं. तो एक तरह से ये अच्छा भी है, रिस्की भी है, अच्छा भी है. अच्छा इसलिए कि कॉम्पिटिशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, रिस्की ये है कि इसके भरोसे आप बैठना मत, कुछ और साथ में रख के लेके चलना, लाइक आपने कहीं एडमिशन ले लिया और उसके बाद आप इस एग्जाम को, इन दोनों एग्जाम्स को दें. यहाँ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बीएससी के बाद क्या करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए आपको दो चीज़ों के साथ में ज़रूरत होती है कि कोचिंग या करेक्ट गाइडेंस, ये आपको खुद को डिसाइड करना है. ओनली कोचिंग से हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए, हो सकता है, लेकिन अगर आपको करेक्ट गाइडेंस नहीं मिली तो सब कुछ करने के बाद भी हो सकता है आप कहीं ना पहुँचे, कहीं तो पहुँचना है ना, कोई नई दिशा तो लेनी है कि एग्जैक्टली मैं इस काम के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ. क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हर कुछ दिनों बाद जैसे कुछ वांट्स निकाल रही हैं या कुछ सपोज रिक्रूटमेंट करना है, तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग होता है कि नेट क्वालिफाई करने के बाद भी या पीएचडी करने के बाद भी लोग हमसे ये पूछने आते हैं कि अब हम क्या करें. अभी जैसे कुछ दिनों पहले एक एग्ज़ाम निकला एक असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट का, उसमें आई वॉज शॉक टू नो कि नेट क्वालिफाइड लोग जिनके नेट क्वालिफाई हो गए थे वो हमारे यहाँ कोचिंग करने आना चाहते थे. उन्होंने, मैंने कहा भाई आपका तो नेट क्वालिफाई हो गया, फ्री कोचिंग किस लिए? कि सर नेट तो तुक्के में हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपको कुछ स्पेसिफिक आप तैयार कर लो, लेकिन असल में हमें कभी करेक्ट गाइडेंस मिली ही नहीं कि नेट के बाद करना क्या है, या ये जो JRF वगैरह है इसका इस्तेमाल कैसे करना है, या एक्चुअली हमें करियर कैसे बनाना है. मैं जो आपको अश्योर करूंगा कि मैं आपको जो ये बातें बता रहा हूँ ये करेक्ट गाइडेंस के साथ कोचिंग के बारे में बताऊंगा, मैं आपको ओनली कोचिंग के बारे में बात नहीं कर रहा. अगर गाइडेंस ही प्रॉपर नहीं है तो कोचिंग देके हम कर क्या लेंगे आपको? सिर्फ एग्जांपल, आपको दिल्ली जाना है और मैं आपको रास्ते बताना शुरू कर दूं, यहाँ बॉम्बे जाओ, बॉम्बे से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर एयरपोर्ट पे आप जाना, एरोप्लेन पकड़ना, फिर वहां से हवाई जहाज छोड़ के दिल्ली आना. मैं इस वक्त जयपुर में बैठा हूँ, मेरे यहाँ से 250 किलोमीटर से दिल्ली 260 के अराउंड, मैं क्यों आपको ये 1000 किलोमीटर का रास्ता बताऊँ या मैं रास्ता ही ना बताऊँ? देर आर मैनी थिंग्स, बट ये सब कुछ आपको डिसाइड करना चाहिए. कुछ बातें जो आपको आपके करियर के बारे में,
जब भी आप करियर को आप डिसाइड करना चाहें कि व्हाट इज करियर आपका प्रेजेंट है या फ्यूचर, तो आप हमेशा पहले आपकी प्रेजेंट कंडीशंस को देख लीजिए. मैं हर आदमी के लिए एक करियर के बारे में बात नहीं कर सकता, ये एक नाइंसाफी होगी आपके साथ भी और शायद मेरी अंतरात्मा के साथ भी, क्योंकि वो एक झूठ है. हर व्यक्ति से मैं कह दूं कि तुम नेट क्वालिफाई कर लो, या हर व्यक्ति से मैं ये कह दूं कि तुम एमएससी एंट्रेंस क्वालिफाई कर जाओ, जाओ इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन ले लो, या तुम जाके आईआईएससी बेंगलोर में एडमिशन ले लो, या तुम कोई बड़ी आईआईटी में चले जाओगे, ऐसे झूठ से अपने आप को बचाएं. अगर कोई आपसे कहता भी है, कोई ज़रूरी नहीं है. हमारे यहाँ पर जैसे इस बार जितने बच्चे थे उनमें से दो लोगों का क्वालिफाई हुआ है और दोनों आईआईटीज में जा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं पूरी क्लास का होएगा ही होएगा. अगेन यहाँ पर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि प्रेजेंट कंडीशन का ये भी मतलब होता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को देखिए. हर बच्चा आईआईटी में जाए कोई ज़रूरी नहीं, आप जेएनयू के लिए भी तो क्वालिफाई कर सकते हैं ना, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. जेएनयू आपको खैर कन्हैया कुमार के चक्कर में कई लोगों को लगता है कि वहाँ वो टुकड़े टुकड़े गैंग जैसा कुछ होता है, वो एक छोटा सा हिस्सा है. जेएनयू एक विशाल संस्था है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका आप यूँ समझ लीजिए 0.1% है वो जो असल में. क्योंकि मैं खुद जेएनयू से हूँ, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज से मैंने एमएससी किया ईयर 2000 में, और हमें पता है कि वहाँ एग्जैक्टली होता क्या है. ये जो आप देखते हैं जगह जगह पे वैसा कुछ भी नहीं है. खैर वो मैं बातें हम लोग बाद में करेंगे. आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए कि जो टारगेट आपने डिसाइड किया है उसको अचीव कैसे करने वाले, और इस सब को मिलाकर आपकी जो कंबाइंड इफेक्ट आती है उसको आप सक्सेस कह सकते हो. छोटी सी बात है. तरीका क्या होगा, जैसे आप कहें, सबसे पहले आप असेसमेंट करें कि आपसे हो सकता है नहीं हो सकता है. करियर स्किल असेसमेंट, आपकी जो आपसे हो सकता है नहीं हो सकता है उसमें आप एक्सीलेंस लेके आ सकते हो नहीं आ सकते हो. उसके बाद आप करियर का ऑब्जेक्टिव बनाओ कि आपको करना क्यों है. आप करियर डेवलपमेंट प्लान बनाओ कि भाई ये जो करना है इसके लिए मुझे क्या क्या तैयारियों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, कोई कोचिंग चाहिए नहीं चाहिए, मेरा कॉलेज के साथ टाइम सूट करेगा नहीं करेगा, किस प्रकार के मुझे कोर्सेज करने चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए पहले. इम्प्लीमेंट योर प्लान. प्लानिंग के साथ आप डिसाइड कीजिए, हाँ भाई अब मुझे ऐसे ऐसे करना है, मेरे पास दिन के ये 12 घंटे हैं, 6 घंटे मैं कॉलेज में जाऊंगा या जाऊंगी, उसके बाद कि भाई 2 घंटे में या 3 घंटे मुझे कोचिंग में जाना है और 3 घंटे मेरे पास पढ़ने का टाइम पड़ता है. फिर सबसे अच्छा क्या चूज करना है, क्योंकि आपको ये फाइनली जब काम करोगे तो आपको उस वक्त दौरान में एक बार और एनालिसिस करना पड़ेगा कि भैया अपन ने टारगेट डिसाइड किया था आईआईटी का, अपना अपने बस की बात नहीं, अपने जेएनयू का करना है, या जेएनयू भी नहीं हो रहा अपने से, अपने को तो बीएचयू में या डीयू में बॉटनी जूलॉजी एंट्रेंस करना है. ये सारे करियर स्टेप बाई स्टेप आपको डिसाइड करना पड़ेगा. मैं या कोई भी व्यक्ति आपको बताएगा कि भाई इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप सीबीजेड पीसीएमबी सब कुछ प्रिपेयर कर लो आप सीबीजेड के हो तो, या अगर आप सपोज कोई बड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछना है तो हमने बता दिया भाई बड़ी यूनिवर्सिटी में इस तरह से जूलॉजी वाले एंट्रेंसेस में थोड़ी सी केमिस्ट्री आ जाती है, या बायोकेमिस्ट्री वाले एंट्रेंस में केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूरा का पूरा आता है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे. बट फाइनली आपको एक बार हमसे बात करनी है, आपके जो प्रोस एंड कॉन्स हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं उनको आपको एक बार एनालाइज करना है और उसके बाद करियर सेट करना है. मैं सबसे पहले आपको TIFR एंट्रेंस के बारे में बता दूं, 3 स्टेज का एग्जाम होता है. पहला स्टेज रिटर्न, रिटर्न में फिजिक्स केमिस्ट्री एप्टीट्यूड मैथ्स के नाम पे वो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देते हैं, और बायोलॉजी आता है. 15 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं 60. ये रिटर्न क्वालिफाई होने के बाद आपको जनवरी में यूजली 20 से 30 जनवरी के बीच में रिजल्ट आ जाता है. आपको प्रपोजल राइटिंग के लिए वो आपको कहेंगे, और ये प्रपोजल राइटिंग की डेट DBS की थोड़ी सी अलग होती है. DBS की यूजुअली मार्च में लास्ट डेट होती है, और NCBS की थोड़ा सा और आगे होती है. तो ये लोग आपको डेट देंगे, फिर आपको थर्ड स्टेज में इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे. दे विल बी कॉलिंग फॉर इंटरव्यू आइदर बैंगलोर और बॉम्बे, जहां पर भी आपका सिलेक्शन होता है वहां के लिए बुलाएंगे. और उसके बाद ये जो इंटरव्यू होगा यूजुअली 2 राउंड का होगा. पहले राउंड में वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, एक बार फिर आपको चेक करने के लिए फिर इंटरव्यू होगा. अगर आपने कहीं कोई अच्छी रिसर्च प्रोजेक्ट कर रखा है, आपका डिसर्टेशन प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, तो इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा, सिलेक्शन होने के चांस हैं. अगर आपकी फिजिक्स और मैथ्स बहुत अच्छी है तो इसके बारे में सोचिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में कई बार निकल जाते हैं. आपकी केमिस्ट्री पर बहुत अच्छी कमांड है और बायोलॉजी पर बहुत अच्छी कमांड है तो इसके बारे में सोचिएगा. लेकिन अगर आप ओवरऑल एवरेज हैं तो प्लीज़ डोंट थिंक ऑफ इट. आप प्रपोजल हमसे लिखवा भी लोगे या किसी XYZ आपको व्यक्ति आपको प्रपोजल लिख के दे भी देगा, जो सेकेंड राउंड के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यूजुअली आप फर्स्ट राउंड में बाहर हो जाओगे. क्योंकि मेरा लिखा हुआ प्रपोजल आप डिफेंड नहीं कर सकते, वो मैंने सोचा था, ठीक है, वो मेरी थॉट थी. यूजुअली लोग चीटिंग करते हैं इसमें, कई लोग वो सोचते हैं कि वो जो टीचर है वो हमारा लिख देगा, कल्याण हो जाएगा. पर वो जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं वो काफ़ी जीनियस हैं,
उनको भी पता है कि एक बीएससी का बच्चा, ये छोटा बच्चा किस लेवल तक सोच सकता है। अगर आपने लिखा है और आपने डीप थॉट दी है तो वो पकड़ लेंगे, हाँ यार बच्चे ने लिखा है। लेकिन अगर आपने चीटिंग कर रखी है तो तीसरे सवाल पे आप खुद धराशायी हो जाओगे। वो व्यक्ति आपको चाहे कितना ही प्रिपेयर करा ले, इंक्लूडिंग मैं आपको कितना भी प्रिपेयर करा लूं, जो अंदर से ज्ञान आता है ना, जो अंदर से नॉलेज आती है, वो अंदर की होती है, वो आपकी अपनी होती है। तो चीटिंग करने का प्रयास ना करें इसमें। तो अगर आपके अंदर कुव्वत है, आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ है कि आप कुछ सोच सकते हो, अच्छा सा चीजों को साइंटिफिक तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, अपनी बात को रख सकते हो, तो इसको आप जरूर प्रिपेयर करें। आईआईटी जम बीएल, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ आईआईएससी बैंगलोर एंट्रेंस बोलता हूं, मैं इसको और कुछ भी नहीं बोलना चाहता। नॉर्मल जो आपका मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, आईआईटी जम बीटी के दिन ही होता है, यूजुअली मॉर्निंग में होता है, बीटी अपना दोपहर में होता है। बायोलॉजी और बायोस्टेट्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें, दूसरे शब्द को याद रखना, स्टेट्स, अच्छी खासी क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, मैथ्स स्टेट्स इसके। सेकेंड राउंड जो है वो एज यूजुअल इंटरव्यू आईएससी के लिए। अब ये आईएससी में कितने लोगों को बुलाते हैं, नो आंसर, मैं कोई आंसर नहीं देना चाहता, क्योंकि एक बार तो इन्होंने सिर्फ 50 लोगों को बुलाया था, कभी ये 100 लोगों को बुलाते हैं और कभी 150 तक कोई बुला लेते हैं। जनरल रैंक बता रहा हूँ मैं, जनरल की जो रैंक के बच्चे हैं। एसटीएससी में आप थोड़ा सा इसको डबल कर लीजिए, मतलब ओबीसी में डबल कर लीजिए और एससी में 3 times कर लीजिए एसटीएससी में। बाकी कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, इंटरव्यू है, वो प्रॉपर आपको एनालाइज करेंगे, हर चीज को खोद खोद के देखेंगे, 2 rounds का इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपको सेलेक्ट करेंगे। तो जहाँ इंटरव्यू होता है मैं थोड़ा डर लगता है, मुझे डर लगता है, क्योंकि वहाँ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, सामने वाले के हाथ में। एक अच्छा सा सबूत मैं दे देना चाहूँगा आईआईटी जाम बीएल का, यहाँ आप इस पूरी लिस्ट को देखें, इस वाली लिस्ट को, बीएल कहाँ कहाँ लिखा हुआ है ध्यान से देखेंगे। आईएससी बेंगलोर में इंटीग्रेटेड पीएचडी इन बायोलॉजिकल साइंस के लिए जाम के 2 test papers से आपको कॉल आ सकती है, बीएल एंड बीटी, ध्यान से देखेंगे, ओनली बीएल से नहीं, बीटी से भी आ रहा है। इंटीग्रेटेड पीएचडी इन केमिकल साइंसेस के लिए 3 तरह के एंट्रेंस वाले घुसेंगे इसमें, केमिकल साइंसेस में, बीएल, सीवाई मतलब केमिस्ट्री और पीएच मतलब फिजिक्स। भाई ऑलरेडी आपने कॉम्पिटिशन इतना बढ़ा दिया तो क्या करना चाहते हो हमारे साथ। खैर, 2 और मैं यहाँ पर नाम लूंगा, सिप्पुर वाला जो एमएससी इन फूड प्रोसेसिंग एंड न्यूट्रिशन साइंसेज में दे रहा है, इसकी भी मैं आपको जबरदस्त बात बता देता हूँ, अगर आप प्योर बायोटेक से हैं तो प्लीज कोई फायदा नहीं है बीएल देने का, क्योंकि यहाँ एडमिशन होने के बाद भी पहला सवाल एडमिशन के वक्त यहाँ सिप्पुर में जाएंगे जब, तो डिपार्टमेंट पूछेगा क्या आपके पास केमिस्ट्री है, और अगर आपने आपके मार्कशीट में केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट नहीं है तो आपको उसी वक्त वहां से बाहर कर देंगे। लास्ट ईयर हमारे यहाँ से एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ था ये सिप्पुर में, और लकीली ही गॉट सेलेक्टेड इन एसएयू आल्सो। तो एक दिन आगे पीछे डेट थी, मैंने कहा भाई पहले इसको ट्राई करते हैं, क्योंकि टेक्निकल मामला है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ वेस्ट बंगाल है, तो वहाँ क्यों नहीं जाया जाए। वो भाई वहाँ गया एंड ही जस्ट डिड ऑल द फॉर्मेलिटीज, सब कुछ किया, और वहाँ पर जो डिपार्टमेंट में पहुँचा तो उन्होंने पूछा आपके पास तो केमिस्ट्री है ही नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक एडमिशन हियर। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस बेचारे ने हाथ के हाथ वहाँ से फ्लाइट पकड़ी, अगले दिन दिल्ली पहुंचा और एसयू में फटाफट एडमिशन लिया और वो बच गया, अदरवाइज उसका करियर स्पॉइल हो जाता, क्योंकि जेएनयू उसने मेरे कहने से छोड़ दिया था, जेएनयू में उसका सिलेक्शन हो गया था, इट वॉज नकुल रावत, और एसयू भी वो मेरे कहने से छोड़ चुका, तो मेरे ऊपर एक पाप और चढ़ता कि मैंने उस बच्चे का करियर बर्बाद कर दिया, तो मैं भी बच गया और वो भी बच गया। खैर, एनआईटी राउरकेला में एमएससी लाइफ साइंस ये लोग ऑफर करते हैं, आईआईटी जाम बीएल पर रैंक कितना जाएगा वो पता नहीं है, वो हर बार का थोड़ा वेरी करता है। आईआईटी मुंबई में इस बार से जो अच्छी बात है मैं आपको बता दूं कि जो रेस्ट्रिक्शन था पहले कि आपके पास 12th विद मैथमेटिक्स होनी चाहिए, वो 2019 से हट गया है। सो एमएससी बायोटेक का अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस जगह पर, तो एमएससी बायोटेक, आईआईटी इंदौर, बॉम्बे और रुड़की, तीनों में आपके 12th विद मैथमेटिक्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी प्रकार से आईआईटी खड़गपुर में जो इंटीग्रेटेड पीएचडी ये लोग दे रहे हैं, अब आई डोंट नो ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि यूजुअली इस तरह का जो शब्द लिखा हुआ होता है जॉइंट एमएससी पीएचडी, तो इसका ये भी मतलब होता है कि 2 साल बाद अगर आपने छोड़ा है तो आपको एमएससी की डिग्री अवार्ड होगी, लेकिन यहाँ इन्होंने डिफाइन नहीं किया है ओवरऑल, तो इस डिफाइन नहीं किए में हो सकता है ऐसा हो कि वो इंटीग्रेटेड पीएचडी हो, और उसका मतलब ये होता है कि आप 2 साल में भी नहीं छोड़ सकते, अगर आपने 2 साल में छोड़ दिया तो यू आर ओनली बीएससी, यू आर नॉट इवन एमएससी 2 साल के बाद भी, तो आप 0 पे आ जाओगे। ऐसा ही आईएससी में भी होता है, ध्यान रखिएगा, आईएससी में अगर आप घुस रहे हैं या आपने प्लान किया है तो मान के चलिएगा 5 से लेकर 6 साल का इंटीग्रेटेड पीएचडी का कोर्स होगा ही होगा,
बीच में छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है. यही चीज आपके एनसीबीएस में भी है, यही चीज आपके डीबीएस में भी है, आप बीच में नहीं छोड़ सकते. तो माइंड मेकअप करें कि भाई हाँ, मुझे, मैं रिसर्च के लिए बना हूं या बनी हूं और मैं पूरी तरह से डेडिकेटेड हूं अगले 4 से 5 साल, 5 से 6 सालों के लिए. एमएससी पीएचडी ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम एनवायरमेंट साइंस और इंजीनियरिंग का आईआईटी मुंबई इसको ऑफर करेगी, लेकिन अगर आपके पास 12th में मैथमेटिक्स है तो. खैर, हम ज्यादातर लोग बायोलॉजी के हैं, ये पहले दो ऑप्शन काफी हैं चीजों को आगे बढ़ाने के लिए. मैं जरा कुछ चीजें यहाँ पर और क्लियर कर दूं. आईआईटी मुंबई में कैसे कैसे एडमिशन होता है ये आपको थोड़ा देख लीजिएगा. बीटी के थ्रू इस तरह से 14+8+4+2, ये जनरल ओबीसी एसटी एससी का ये रेशो होता है सीटों का. 14 सीटें हैं एमएससी बायोटेक के लिए. आईआईटी खड़गपुर में बीटी कोर्स के लिए मॉलिक्यूलर, ये आपका जो एमएस जॉइंट एमएससी पीएचडी वाला जो प्रोग्राम है, मॉलिक्यूलर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी 5+3+1, 5 सीटें जनरल के लिए, 3 ओबीसी एंड सॉन. ये मैंने प्रोस्पेक्टस से कटिंग्स लिए हैं प्लीज. आईआईटी रुड़की में बीटी के थ्रू एडमिशन हो रहा है और आपका जो मामला है ये 18 वाला है बीटी के थ्रू. आईआईटी इंदौर में भी बीटी के थ्रू, बीएल के थ्रू कहीं भी एडमिशन नहीं हो रहा है, देख लीजिए एक बार. फिर जेएनयू कंबाइंड बायोटेक एंट्रेंस, बहुत सिंपल सा एंट्रेंस है, 60+60 का मामला है. पहले 60 क्वेश्चन होंगे कंपलसरी, यानी कि 12th लेवल के वो लोग कहते हैं, पर मेरे हिसाब से तो नहीं होते हैं. इसमें पीसीएमबी चारों आता है. दूसरे में भी मजे की बात है, पीसीएमबी चारों आता है, लेकिन आउट ऑफ 160 क्वेश्चन करने होते हैं. लेकिन जो लेवल होता है सेकेंड पार्ट का वो अच्छा खासा होता है, आपको अच्छी खासी बायोलॉजी आनी ही चाहिए. मैथ्स के भी क्वेश्चन इसमें होते हैं. तो हम लोग प्रिपेयर करवाते हैं जब कोचिंग में, हम लोग क्या करते हैं, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स जरूर कराते हैं मैथमेटिक्स के, क्योंकि आई नेवर बिलीव इन बायोलॉजी. आप 100% सही कराओगे या आपसे ओनली बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बेसिस पे ये 60 का नंबर टच हो जाएगा, ये मेरे हिसाब से एक सही बात नहीं है. क्योंकि आउट ऑफ 100 अराउंड 45 के लगभग क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन पीसीएमएस से होते हैं. फिजिक्स आप कितना कर लोगे, शायद 5-7 क्वेश्चन. एक्यूरेसी का मामला इसमें बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि आपका जो पहला जो सेक्शन है वो असल में डिसाइड करता है, सेकंड सेक्शन डिसाइड नहीं करता है सिलेक्शन. क्योंकि पहले में 60 कंपलसरी क्वेश्चन होते, कंपलसरी का मतलब ये नहीं है 60 करोगे ही करोगे, आपके पास चॉइसेस नहीं होती. कंपलसरी का मतलब थोड़ा सा समझेंगे, यहाँ पर 100 में से 60 चॉइसेस हैं, वहां चॉइसेस नहीं है, 60 के 60 करना है. दूसरा फेमस एंट्रेंस जो जेएनयू लाइफ साइंसेज का है वो आपका 40+60 का मामला है, 40 कंपलसरी 60 चॉइस में. 60 चॉइस में अच्छी खासी बायोलॉजी आती है 60 वाले में. पहले वाले में आपके पीसीएमबी आता है, लेकिन पीछे वाले में ज़्यादातर मतलब एलिमेंट्री फिजिक्स केमिस्ट्री, और लेकिन बायोलॉजी बहुत अच्छे लेवल की. उसमें डेव बायो भी पूछेंगे, प्लांट फिजियो भी पूछेंगे, बेसिक क्लासिफिकेशन भी पूछेंगे, ये सारी चीज़ें. एसएयू का एंट्रेंस, इसमें 30+70 का फंडा है. 30 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके पीसीएमबी चारों में से होंगे, लेकिन जो 70 है उसमें बायोलॉजी और स्टेट्स आता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग इसमें मैंने डिफाइन कर दी है. डीयू बॉटनी डीयू जूलॉजी एंट्रेंस, बीएचयू एंट्रेंस और आरयू एंट्रेंस, इसका ये रेशो है. सब जगह अपने अपने लेवल की नेगेटिव मार्किंग है. यू मस्ट थिंक ऑफ दीज एंट्रेंसेज, ये सारे एंट्रेंसेस को आप लिख लें, संभाल के रख लें, आपके काफ़ी काम आएंगे. कभी भी आपको लगे आपको मुझसे कुछ पूछना है, यू जस्ट सेंड मी लाइक योर व्हाट्सएप. आप व्हाट्सएप से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, कॉल पे इतना सारा कुछ मैं शायद समझा नहीं पाऊंगा. यहाँ जो शुरुआत करनी है वो मिसगाइडेंसेस के बारे में. जैसे एक बहुत फेमस मिसगाइडेंस होता है, स्पेशली जो बायोलॉजिकल साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक जबरदस्त स्टोरी सुनाई जाती है. उनको कहा जाता है कि व्हाई आर यू अपीयरिंग फॉर द आईआईटी एग्जाम, व्हाई डोंट यू लाइक प्रिपेयर फॉर नेट डायरेक्टली. आप अभी जैसे लास्ट ईयर मेरे पास एक बच्ची का फोन आया था और वो किसी फिजिक्स के लिए वो तैयारी कर रही थी, और उसको किसी कोचिंग ने या जिस भी व्यक्ति ने कहा कि आप पढ़ने में थोड़ा वीक हैं, आप एमएससी एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन में एग्जाम लें, एडमिशन लें, और नेक्स्ट ईयर सेम कोचिंग को हम नेट की कोचिंग में बदल देंगे. बेसिकली वो काफ़ी हद तक श्योर थे कि इस बच्ची का एमएससी एंट्रेंस में नहीं हो सकता, और असल जो बात थी वो ये थी कि उस बच्ची को वो एमएससी एंट्रेंस के नाम पर नेट के बैच में बिठाना चाहते थे. कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये हाल बता रहा हूँ मैं आपको. क्या ये मिसगाइडेंस आपके साथ तो नहीं हो रहा कहीं? क्योंकि हो सकता है आपको यही सबसे पहली बात समझ में आती हो कि वाओ, हमें तो बहुत कुछ आता है, एमसीक्यू लेवल पे तो हम कर ही जाएंगे, और नेट क्या है, नेट तो बस यूं ही हो जाएगा. थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, पहली चीज़ तो नेट यूं ही हो जाएगा, ठीक है. हो सकता है आप में से कई सारे लोग जीनियस हों, बट ये हमें पता है कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं जो बीएससी में जिन्होंने एडमिशन लिया है वो अबव एवरेज या अराउंड एवरेज होते हैं. क्योंकि अगर आप जीनियस होते तो आप मेडिकल एंट्रेंस निकाल चुके होते. इस कड़वी बात को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा.
आप एवरेज हैं, और एवरेज हैं तो आपको उसी तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। दूसरी बात, नेट की कोचिंग में जो ऑलरेडी 3-3 साल प्रिपेयर कर रहा है या जिसका पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, उसकी नॉलेज के लेवल में और आपकी नॉलेज के लेवल में हमेशा अंतर होगा ही, इसे आप नकार नहीं सकते। उसके लेवल तक पहुंचने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये आपको ज़रा सोचना चाहिए। और इसमें फ़ायदा ज़्यादा किसका है, आपका या उस कोचिंग वाले का, ये आपको सोचना चाहिए और बड़े गहराई से सोचना चाहिए, क्योंकि प्रश्न है आपके करियर का। नेट क्वालिफाई कर लेना अगर आप सोचते हैं कि ठीक है, छोटी बात हो सकता है, छोटी बात हो, लेकिन अगर आपकी डिग्री बहुत अच्छी जगह से नहीं है एमएससी की, तो उस नेट क्वालिफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। या दूसरी स्टोरी मिसगाइडेंस की मैं और सुनाऊंगा कि विद बीएससी प्रिपेयर फॉर द सीएसआर नेट एंड दिस इज ओनली करियर लेफ्ट फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स, ये बहुत ही गजब की चीज़ होती है। लाइक आई हैव सीन पीपल जिन्होंने नेट क्वालिफाई नहीं किया लेकिन उनके करियर बड़े शानदार बन गए, चाहे वो किसी भी तरीके से बायोलॉजी फील्ड में ही गए हों। आई रिपीट, बायोलॉजी फील्ड में ही बिना नेट क्वालिफाई किए, चाहे इंडस्ट्री में गए हों, चाहे रिसर्च में गए हों, चाहे टीचिंग में गए हों, इवन कोचिंग में टीचिंग वाले करियर हो सकते हैं। इवन ये भी हो सकता है कि आप एक नॉर्मल बीएड करें और एक स्कूल लेक्चरर बन जाएं नॉर्मल एमएससी करके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सीएसआर नेट इज द ओनली करियर लेफ्ट आफ्टर योर ग्रेजुएशन और योर पोस्ट ग्रेजुएशन। देर आर मेनी करियर्स, लाइक अभी जो अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो एफसीआई की वैकेंसीज हैं, उसके अलावा बहुत सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एग्जाम्स हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एग्जाम्स हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिन पर अगर आप ध्यान दें तो वो आप कर सकते हैं। तो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ इस गाइडेंस में मत फंसिएगा कि द ओनली सीएसआर नेट इज़ द करियर, उसके अलावा कोई करियर ही नहीं होता। यहाँ तीसरा मिसगाइडेंस की एक स्टोरी और मैं बताना चाहूँगा कि जो हास्यास्पद बात है वो ये, स्पेशली बायोलॉजी के स्टूडेंट्स में मुझे आए दिन फोन आता है कि आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर IIT जम बायोलॉजिकल साइंस। मैं अभी कुछ दिनों पहले तो लोगों से पूछता था कि भाई आपको ये पता है कि IIT जम BL और IIT जम BT में अंतर क्या है, वो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता, वो कहीं से सुनाते हैं कि IIT में बायोलॉजिकल साइंस में MSc होती है। सामान्य सी सलाह मैं दूंगा कि आप अपना जो प्रोस्पेक्टस सर्च मारिएगा, प्रोस्पेक्टस IIT जम 2019, या जो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस पर्टिकुलर ईयर का, और ये जो IIT जम BL और BT के अंतर है उस प्रोस्पेक्टस में ज़रा देखेंगे, क्योंकि हवा में सीधी बातें नहीं होती। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो दिमाग में चल रहा होता है वो ये कि ये जो BL है ये बायोलॉजी के लिए और बायोटेक किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, अरे भाई ये एग्ज़ाम भी आप ही के लिए असल में। लेकिन इनके अपने अपने फीचर्स हैं, अपने अपने करियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं जिनके हिसाब से इनको बनाया गया है। नाउ प्रश्न आता है कि ये आप लोगों को इतने आसानी से बेवकूफ़ कैसे बना दिया जाता है, ये जो तीन मिसगाइडेंसेज हैं ये आप लोगों के साथ हो कैसे जाती है। बहुत आसान से प्रश्न होते हैं कि असल में आपकी अपनी एक वीकनेस है। वीकनेस क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि आप नीट में डिसक्वालीफाइड हुए थे ज़्यादातर लोग, आई रिपीट ज़्यादातर लोग। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने नीट के लिए प्रिपेयर किया ही नहीं हो, नीट यहाँ पर मैं मेडिकल एंट्रेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको आपके सराउंडिंग्स ने पहले ही बता रखा है कि यू आर वीक, आपका कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो वीकनेस है आपके दिमाग में घर घर गई है, और कोई व्यक्ति आता है और आपसे कहता है कि यू आर जीनियस, आप तो आराम से नेट क्वालिफाई कर जाओगे, कितने जीनियस हो। आपकी वो जो वीकनेस है आपको लगता है वाओ किसी ने हमें ज़बरदस्त ढंग से मोटिवेट किया, और इस तथाकथित मोटिवेशन में आपको जहाँ जाना था आप उसकी जगह कहीं और पहुँच जाते हो, कि ये सामान्य सी बात असल में आपकी वीकनेस है। दूसरा होता है आपका आलस्य, लिथार्जी। आप इतनी जहमत ही नहीं उठाते कि एक बार आप इंटरनेट पर जाकर सर्च कर लें, या सपोज आप हमें भी कॉल कर रहे हैं तो आप आमने सामने आके रूबरू होना ही नहीं चाहते। ये वीडियो भी अगर मैं बना रहा हूँ तो हो सकता है आप में से कई लोग इसको बीच में ही रोक देना चाहें कि आपको लगे कि कहीं आपके साथ कोई ज़बरदस्त कोई जादू तो नहीं कर देंगे। हम आपके साथ जादू नहीं करेंगे। इस वक्त मैं जो वीडियो बना रहा हूँ संपूर्ण ईमानदारी के साथ ये बता रहा हूँ कि कोई से भी एग्ज़ाम्स, किस किस एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, कौन कौन से एग्ज़ाम्स आपको देना है। शॉर्टकट कभी नहीं लगाना। आपको अगर लगता है कि मैं अभी कुछ बस बड़ा सा चमत्कार अगले 3 महीने के अंदर ही हो जाएगा, तो ध्यान रखना अगर कोई ऐसा कह रहा है कि 3 महीने में 6 महीने में आपके साथ कोई बड़ा चमत्कार हो जाएगा, तो समझ के चलिएगा 99.9999% वो व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है। 99% बहुत सारे नो, बहुत रेयर केस ऐसा हो सकता है, स्पेशली अगर आपके अंदर कोई प्राकृतिक रूप से कोई नेचुरल टैलेंट है और आप कोई बड़ा चमत्कार कर जाए तो शायद संभव है। बाकी मेरे हिसाब से कोई सफलता के लिए शॉर्टकट नहीं होता।
इतना शॉर्टकट कि आप बगैर डिग्री किए कोई जंप मार दे, जैसे एक फेमस झूठ झूठ आपके लगाया जाता है, तुम नेट क्वालिफाई कर लो, बीएचयू तुम्हें खुद इनविटेशन देगा कि आ जाओ मेरे यहाँ से एमएससी करो, या आईएससी खुद इनविटेशन देगा आओ मेरे यहाँ से एमएससी करो. अरे भैया, इंटरव्यू होगा आईएससी में, उसके बाद तुम्हें बुलाया जाएगा, या कहीं पर आप यूनिवर्सिटीज को पढ़ा नहीं है कि आपका नेट क्वालिफाई हो गया तो चलो आ जाओ मेरे एमएससी करने. बीएससी के कई बच्चों ने मुझे ये कहा कि अगर हम नेट क्वालिफाई कर लेंगे तो बड़ी यूनिवर्सिटी हमें इनविटेशन लेटर भेजेगी, कोई नहीं भेजेगा, किसी को नहीं पता. ठीक है, झूठ मत फैलाओ और झूठ मत फैलने दो, अफवाहें मत फैलाओ. इंपॉर्टेंट चीज है कि आप हमेशा एक स्मार्ट वर्क करने के चक्कर में होते हैं. आपको लगता है कि कोई आपको एक एडमिशन दे रहा है और आपको सारी जिंदगी के लिए कोचिंग देगा तो इसमें स्मार्ट आप हैं वो, ये आपको सोचना चाहिए. इस डिस्काउंट में किसका फायदा हो रहा है, आपका फायदा हो रहा है, दूसरे का फायदा हो रहा है, करियर आपका नहीं बन रहा है. आपको चार चार पांच पांच साल तक एक कोचिंग में बांधने का एक तरीका डेवलप हो जाता है और आप सोचते हो कि वाओ हाउ स्मार्ट वी आर. चॉइस इज योर्स, चॉइस इज ऑलवेज योर्स कि आपको पढ़ना है या आपको जिंदगी में ठहाके लगाना है, मस्ती करनी है, डिस्काउंट्स देना है एंड सो ऑन. ये जो सारा का सारा फीचर है ये बेसिकली आपकी अनअवेयरनेस की वजह से होता है, जिसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे.